flooded. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान एडवोकेट मलिक फैजल हक। नाजरीन, सीनियर सिटीजन्स यानी उम्र रसीदा लोग हमारे समाज के तजुर्बे के लिहाज से अहम तरीन तबका है और हमें ज़रूरत है, हमारे समाज को ज़रूरत है कि उनके तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनका तजुर्बा ही हमारी कामयाबी का बेहतरीन नुस्खा बन सकता है। और बहसियत एक मौशरा हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हमारे उम्र रसीदा लोग अपनी जिंदगी बकदरे आसानी गुजार सके और उन्हें वो तमाम सहूलियात फराहम हो जिससे उनकी जिंदगी आसान तरीके से बसर हो जाए, ताकि वो हमें अपने तजुर्बे का फायदा देते रहें। और ना सिर्फ ये बल्कि इस उम्र पर पहुंचने के बाद वो इस इज्जत के भी मुस्तहिक हो जाते हैं कि हम बहसियत एक मौशरा उनके तहफ्फुज़ात के लिए कवानीन बनाएं। और उन्हीं कवानीन पर आज हम बात करने जा रहे हैं, खास तौर पर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और इसके साथ हम बात करेंगे नालसा लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन स्कीम 2016 के बारे में। इस अहम मौजू पर हमारे साथ आज बात करने के लिए तशरीफ फरमा है जनाब मुजम्मिल वानी साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फिलहाल बारामुल्ला और कुपवारा अजला के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी के अहदों पर फाइज हैं। जज साहब, आपका इस प्रोग्राम में मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। जज साहब, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम बात करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में, तो जानना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स कानून की नज़र में किन्हें कहा जाएगा? देखिए, सबसे अहम बात जो आज हमें जिस मौजू पे बात जिसका इंतखाब हुआ है, जिसकी बात हमें करनी है जी। कानून जो आईन से अगर हम शुरू करें, आईन हिंद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में जी रियासतों पे कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ फराइज आयद किए गए हैं, जिन फराइज में ये है कि हर किसी तबके के लिए ये एक लेजिस्लेशन ऐसे मेजर्स किए जाएं जी। इन मेजर्स में ओल्ड एज यानी कि सीनियर सिटीजन्स, जिसको इस कानून जिसका आपने तारुफ किया है, इस कानून में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले शहरियों को सीनियर सिटीजन्स कहा गया है जी। इस तबके की फलाह के लिए, इसकी बहबूदी के लिए, इसकी अच्छी नशोनुमा के लिए, समाज में इसके वकार के लिए ऐसे कानून बनाए जाना लाजमी करार दिया गया है। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो ऑब्लिगेशन सिर्फ एक वादा होता है, ऑब्लिगेशन पर काम करना होता है, उसको हम अदालत में एनफोर्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जी। लेकिन एक वादा है जो हमने आईन बनाते बनाते अपने साथ किया है, और रियासतें इस वादे को निभाते निभाते ऐसे कानून बनाने का अमल जारी रखे हुए हैं जी। उसी का तसलसल, उसी का समर ये कानून भी है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। जैसा आपने सवाल पूछा है कि किसे कहेंगे, तो 60 साल से जायद वाले शख्स को हम सीनियर सिटीजन कहेंगे, लेकिन इनकी इनके बहबूद के लिए, इनके वकार के लिए बाकी दीगर सारे कानून भी मौजूद हैं जी। हम आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, या जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 125 से लेकर 28 तक के दफात हैं, उनमें भी हम पेरेंट्स की बात करते हैं, उनके मेंटेनेंस की बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट
इसका वजूद लाजमी करार दिया गया, ताकि और भी, चूंकि अगर हम ये एक्ट पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन में ही, इसकी तमहीद में ही एक बात जिक्र की गई है कि टू एंश्योर टू प्रोवाइड फॉर फर्दर प्रोविजंस, यानी कि बाकी सारे प्रोविजंस भी अगर हैं पेरेंट्स के लिए हैं, सीनियर सिटीजन के लिए इसके अलावा भी, इसके अलावा ये कानून है जो राइज आएगा जो फर्दर मजीद ऐसे प्रोविजंस या मेजर्स हमारे समाज में राइज करेगा, जिनसे पेरेंट्स यानी वालदेन और सीनियर सिटीजन्स यानी उम्र रसीदा शहरी, इनकी फलाह बहबूद और इनके हकूक की बात की जाएगी। तो सर, माशरती पस मंजर से पूछना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ हम ये दावा करते हैं कि हम ऐसे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ उम्र रसीदा लोगों की बहुत इज्जत होती है, वहीं उसी समाज में क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें अलग कवानीन बनाने पड़े उम्र रसीदा लोगों के तहफ़ुज़ देखिए, बदकिस्मती से फहद साहब, आज की, मैं यहाँ आने से पहले आज की अखबार देख रहा था जी, तो आज की एक शह सुर्खी ये भी थी कि बड़गाम में जी एक ओल्ड एज होम में एक शख्स की मौत हुई जी, जिसको घर वालों ने अबंडन कर दिया था, तर्क परवरिश कर दिया था जी। ये आज की तल्ख हकीकत है जो हमारे सामने आई है। इस तल्ख हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल। इसका मतलब इसका चारा करना हमारे लिए लाजमी लाजमी है। अब इसका चारा ये जरूरी था कि अगर हम 125 से 128 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात है, वहां सिर्फ पेरेंट्स को गिनवाया गया है, उनके मेंटेनेंस की बात की गई है, खर्चा के लिए। मेंटेनेंस में हम जो राइज इसकी डेफिनेशन है, तारीफ है, उसमें हम कहते हैं कि इसकी खुराक हो, इसकी पोशाक हो जी, या इसकी दवा हो, जी इस सब को लाजमी बनाया जाए। लेकिन उन सब से यहाँ ये एक्ट जो है जी, इसकी इसका अनुमान है कि ये मेंटेनेंस भी देता है और वेलफेयर की बात भी करता जी, है, यानी कि बुजुर्ग शहरी उनके, चाहे वो पेरेंट्स हों जी या कोई में लावलद भी हो सकता है, बिल्कुल, तो उसके मेंटेनेंस की भी हम इंश्योर करेंगे कि किस डायरेक्शन में आएगी, और उसके अलावा उसके फलाह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और जहां मैं आपको 2014 की एक सर्वे के मुताबिक, मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके नाजरीन की जानकारी के लिए, बिल्कुल, कि लगभग 6 महीने में एक सर्वे कर दिया गया था नेशनल, जो हमारा क्राइम ब्यूरो है, उसमें बताया गया था कि 10,000 क्राइम सिर्फ सीनियर सिटीजन के खिलाफ होते हैं जी। अब एक सीनियर सिटीजन है, उम्र के उस उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां पे इसको शायद अद्वियात की भी जरूरत ज्यादा हो, जहां इसकी सेहत भी अब जिस्मानी लहज भी जवाब दे चुकी हो या कमजोर हो चुकी हो, तो हर किसी जिंदगी के शोबे में इसको एक सहारे, एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती होती है। अब अगर वो सपोर्ट इससे हम छीन लें या इसका सपोर्ट हो ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक फलाही रियासत में जीते हैं जहां हर एक फर्द अपनी इज्जत और अपनी जान का तहफ्फुज बिल्कुल चाहती है। क्योंकि आज की तारीख में रियासत का अवलीन मकसद होता है कि ये अपने शहरियों की जान और माल की का तहफ्फुज कर सके, और जब एक उम्र रसीदा शख्स इस तहफ्फुज से महरूम हो जाए तो फिर वो रियासत से महरूम हो जाता है, रियासत बेशक जो वो मादराना खासियत होती है वो उससे महरूम हो जाता बेशक है। इसको इंश्योर करने के लिए इस कानून की जरूरत महसूस हुई, और 2007, 2014, अब 2021 में इसके रूल्स भी अब तक बन चुके हैं। इसमें एक तो हम मेंटेनेंस दिलवाते हैं या देते हैं, जिसके लिए ट्राइब्यूनल्स का इनेकाद किया गया है जी, और दूसरा वेलफेयर प्रोटेक्शन मेजर्स भी इसमें गिनवाए गए हैं, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर जो जिले का होता है जी जी सर, तो वो एक नोडल ऑफिसर होता है जिसकी कुल इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है कि ये देखे कि जितने भी सीनियर सिटीजन उसके जिले में मौजूद हों, उनका डेटा हो, और बाद में उनके अगर मेंटेनेंस की जरूरत हो वो पूरी हो, अगर उनकी बहबूद में कोई किसी किस्म की कमी हो, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर जो है जिले का, उसको इख्तियार दिए गए हैं और फराइज भी उसका ये गिनवाया गया है कि उस वो जितने भी मेजर्स वो कर सकता है, इक्तदाम ले सकता है इसके लिए, वो ले ले। तो सब नहायत ही आसान और खूबसूरत खाका आपने खींचा एक्ट का। तो एक्ट के हवाले से अब जैसा कि हम जानते हैं, टाइटल में ही दो चीज़ें हैं, एक तो मेंटेनेंस है यानी नान कफाफा, और दूसरा वेलफेयर यानी फलाह बहबूद। सबसे पहले जो उम्र रसीदा लोग हैं इनके मेंटेनेंस की बात करेंगे, तो इनका जो अखराजात हैं जो इनको उठाने पड़ते हैं ज़िंदगी में रोज़मर्रा के अखराजात, उनके उनके तहफ़ुज़ के लिए क्या शिकवा फराहम की गई है? एक इसमें दफ़ा 5 है इस कानून में जी,
वो ये कहती है कि कोई भी शख्स एक दरख्वास्त दे सकता है, सादा दरख्वास्त, खुद जी दे दे या उसकी तरफ से कोई पेश करे, जी ठीक लेकिन सर इसकी इजाज़त, इस शहरी की इजाज़त से, चाहे वो वालिदैन हो चाहे कोई आम शहरी हो, बिल्कुल वो एक ट्राइब्यूनल, जो एक ट्राइब्यूनल का इनेकाद इसमें हुआ है, जी या मैं अगर आम इस्तिलाह में इसे कहूँ तो वो अपने इलाके के SDM या ACR या डिप्टी कमिश्नर के जी पास एक दरख्वास्त जमा कराएं जी कि अगर वो अपने बच्चों के खिलाफ ये नान कफाफे की दरख्वास्त पेश करें, जी या किसी ऐसे शख्स जो जो उसकी वरासत कल को का मुस्तहिक होगा, मुस्तहिक होगा, जी उसके खिलाफ ये दरख्वास्त पेश करेगा, जी और वो जो अथॉरिटी है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो ट्राइब्यूनल है, वो ये उस पर ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो इस दरख्वास्त की समाअत करते करते जी 10,000 तक की रकम बहिस्सियत बतौर मेंटेनेंस नान मेंटेनेंस कफाफा जी इस शख्स को, इस वालिद को, इस वालिदैन, ऐसे वालिदैन को या ऐसे शहरी को जी जी फरमाएं, सर जी जी सर उनका हुक्म फरमाएं। तो ये मेंटेनेंस की जो शिक है ये, या दफा है ये, दफा 5 जी जिसमें इसी दरख्वास्त की का तज़किरा किया गया है। लेकिन अगर हम आम इस्तेला में देखें, आम राइज जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं जी समाज में, उसमें हम देखते हैं कि ऐसी दरख्वास्त बहुत कम है। बहुत कम होती मेरा है अपना ज़ाती तजुर्बा है, जिन 2 ज़िलों का मुझे इस वक्त चार्ज है जी बहैसियत सेक्रेटरी, उन दोनों में मैंने ये देखा है कि ना होने के बराबर ऐसी दरख्वास्त जात की दरखास्त गई है, जबकि ऐसी ही दरख्वास्त, इसी मकसद के लिए दरख्वास्त जात अदालतों में भरी पड़ी। जी आप अगर देखेंगे अदालत श्रीनगर की ले लें, बारामूला की ले लें, कुपवारा की ले लें, कसीर तादाद जी इनमें दरख्वास्त जात नान कफाफा के लिए है, जिनमें वालिदैन ने बच्चों के लिए भी की हुई है, जी ऐसी भी बड़ी सारी दरख्वास्त जात है। जी लोग, क्या वजह है? मैंने अपने छोटे से तजुर्बे में ये देखा है कि जिसमें जो वकील का इसमें बड़ा जबरदस्त किरदार होता है, बिल्कुल क्योंकि आम लोग अपनी शिकायत इसके मशवरे के लिए वकील वकला साहिबान के वकला पास जाते साहिबान हैं के साथ मशवरा करने जाते हैं। बिल्कुल तो वकला अपनी अपनी जो जानकारी है और अपनी उसमें सहूलत भी देख लेता है, तो वो उसी हिसाब से एक दरख्वास्त पेश कर देता है। जी जी सर लेकिन इस कानून में वकीलों की शमूलियत या उनकी उस ट्राइब्यूनल में जिसका तज़किरा हम कर चुके हैं, उसमें उनकी हाजिरी से ममानियत की गई है, यानी कि अच्छा इजाज़त नहीं जी उसमें। इसका मकसद भी यही है कि ताकि इसमें तवालत ना हो, जी इसमें ज़्यादा पेचीदा कानूनी दलाइल ना हो, बिल्कुल सिर्फ ये देखा जाए कि क्या ये शख्स मुस्तहिक है इस कानून में, और जी अगर ये मुस्तहिक है तो उसके लिए फौरी इमदाद रिलीफ, दी जाए। इमदाद जी दी जाए। तो जैसे आप सबसे पहले बात करेंगे किन दफातर में जो जाना पड़ेगा दरख्वास्त दायर करने के लिए एक्ट में, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि अलग अलग दफातर हैं जहां गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि बिल्कुल ये दफातर में ही ये एप्लीकेशन का जो है सही समाअत सही। होगी। इस कानून में ट्राइब्यूनल का जिक्र जी बार बार आ जाता बिल्कुल है। ट्राइब्यूनल 2021 में इसमें रूल्स भी बने हैं, उन्होंने ट्राइब्यूनल में बाज़ाबता कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, जी नोटिफाई की गई हैं कि कौन कौन सा हो। जी लेकिन अगर हम इसको पीचीदा नुकात में से देखें कि क्या रूल्स हैं, तो जी ये मामला किसी और की तरफ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आम फहम बिल्कुल जबान में और बिल्कुल आम लोगों की मदद के लिए होता है, उनकी जानकारी के लिए होता है, तो मैं सबसे कामन इसमें इस्तेला ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके ज़िले के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जी होंगे, हाँ पहली दरख्वास्त उन तक उन तक पहुंचाई जाए, पहुंचे ठीक असिस्टेंट है कमिश्नर रेवेन्यू हो या SDM SDM हो, जी उन तक आप अपनी दरख्वास्त पहुंचाएं जी मेंटेनेंस जी के सर लिए या किसी दूसरे रिलीफ के लिए। अगर वहाँ आपका आपकी दरख्वास्त जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक हल ना हुई, जी तो इसके खिलाफ अपील का हक भी है, जी जो अपील डिप्टी कमिश्नर साहब के पास पेश कर बिल्कुल सकते हैं। जो बिल्कुल भी ट्राइब्यूनल जिनका इनेकाद हुआ है, उनकी जो प्रेसिडेंट होता है उस ट्राइब्यूनल का, यानी जी जी सर प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो यही होता है, या असिस्टेंट जी कमिश्नर रेवेन्यू होगा पहले जी स्टेप पे, या फिर पहले पायदान में, या डिप्टी कमिश्नर होंगे अगर अपील में जी इस दरखास्त के खिलाफ तो जाएंगे। जैसे अब जानना चाहूँगा कि ये जो दरख्वास्त है जो उम्र रसीदा लोग कर सकते हैं अपने नान कफाफे की इमदाद के लिए, तो वो किसके खिलाफ कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार देखा गया कि उम्र रसीदा लोग या तो लावल्ड होते हैं या उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं,
तो क्या एक औलाद के खिलाफ करें या फिर जहां औलाद ही ऐसी नहीं हो वहां? ऐसी ऐसी ज़रूरत महसूस होती है जी हाँ अगर किसी ऐसे वालदैन हैं जिनके एक से ज़ायद बच्चे हैं जी और वो किसी एक के खिलाफ भी दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। जी अगर वो बच्चा जो वापस आके कहे, जिसके खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त की, वो कहे कि नहीं मेरे तो और भी भाई बहन हैं तो उनके खिलाफ क्यों दरख्वास्त नहीं हो, जी तो ये उसकी मर्जी है उस बच्चे की कि वो दूसरे बच्चों को भी, भाइयों को जी भी, भाई बहनों को बहनों भी को वारिस उसमें फ्री गर्दाने उस दरख्वास्त में। जी वालिदैन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो किसी मखसूस बच्चे के खिलाफ ही जी दरख्वास्त दायर करें, वो अपने अपनी मर्जी से चुनाव कर सकते हैं और उसी चुनाव करदा औलाद के खिलाफ जी दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। ये जी जी सर वालिदैन का है। जी जो तज़किरा आपने दूसरा किया लावलद होने का, जी तो उस सूरत में हम देखते हैं कि अगर इस शख्स की प्रॉपर्टी हो, जी इसकी कोई जायदाद हो, तो इसकी वफात के बाद उस जायदाद का मुस्तहिक कौन है? जी ऐसी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हालांकि इसमें स्टेप फादर एंड स्टेप जो मदर्स हैं दे जी आर इन्वॉल्व, जी दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज पेरेंट्स। पेरेंट्स लेकिन कुछ अरसा पहले, इस कानून से भी पहले, ये बात 125 जो दफ़ा है जी उसमें इसका तज़किरा नहीं था। जी स्टेप फादर स्टेप मदर वॉज नॉट इंक्लूडेड। जी तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट इनोवेट करके जी हमारे सामने बहसे कानून लाया है कि अगर किसी औलाद ने अडॉप्ट हुआ, अभी अडॉप्शन में वो कानून आया, उसने वरासत ले ली है अडॉप्टिव फादर की, जी बाद में वो जब मेंटेनेंस की बात आएगी वो कहेगा नहीं जी मेरी तो ब्लड रिलेशंस ही नहीं जी है तो मैं ये मेंटेनेंस नहीं दे दूंगा, वो बिल्कुल कानून का सहारा ले लेगा। तो वहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक खूबसूरत कानूनी इनोवेशन आई कि जिसने भी वरासत हासिल की उस जी पर ये ओब्लिगेशन है, ये फ़र्ज़ है कि वो नान कफाफा या मेंटेनेंस भी फिर इसका दे भी देने का जी पाबंद रहेगा। तो यहाँ पे जिसका जो लावलद शख्स है वो ही उसकी पहचान ये जो हमारी ट्राइब्यूनल है उसी तरीके से करेगी। जी इस कानून में आपके नाज़रीन की जानकारी के लिए मैं एक और बात बताता चलूँ, जी सर चूँकि हमने तज़किरा किया कि यहाँ जी हाँ वकील की जो है हाज़िरी पे ममानत है, मैं माना तो था यहाँ पे बिल्कुल मेंटेनेंस ऑफिसर का एक इन्होंने जी बहुत ही हाँ खूबसूरत कॉन्सेप्ट एक लाया है। मेंटेनेंस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को जी सर गर्दाना गया है कि जी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो होगा वो उस जिले का मेंटेनेंस ऑफिसर होगा, वही इंश्योर करेगा कि अगर इसकी दरख्वास्त की समाअत के दौरान किसी किस्म की ज़रूरत, मदद, किसी इमदाद की ज़रूरत पड़े तो वो जी जी डिस्ट्रिक्ट सर सोशल वेलफेयर ऑफिसर इंश्योर करेगा। तो जैसा अब एक और बात देखी गई है आम तौर पर कि जब कोई उम्र रसीदा शख्स अपनी वसीयत लिखने से पहले उसके औलादान या जो वारिसैन हैं उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी देखभाल करते हैं, लेकिन एक बार जब उसने अपनी वसीयत लिखी या हिबे में अपनी अपनी जो गैर मनकूला जायदाद है वो किसी के नाम कर दी, तो उसके बाद उसकी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं होती, ज़्यादा देखभाल नहीं होती। तो इस कोताही से बचने के लिए क्या कोई तहफ़ुज़ात फराहम किए गए हैं इस एक्ट में? ये आपने बहुत अच्छा किया फहद साहब, इसका इस ज़मन में जो मैं भी एक तज़किरा या बात करना चाहता जी था जी वो सर ये है कि मेरी ज़ाती तजर्बे में मैंने एक बात देखा कि अक्सर बेशतर वालदैन के साथ ये धोखा होता है जी जी सर कि उनके बच्चे जो उनकी वफात के बाद किसी प्रॉपर्टी के मुस्तहिक हों, या कोई ऐसा वारिस जो उन्हें खिदमत भी करता है कुछ अरसे, फिर जी जी बोलता सर है कि मेरे हक़ में आप हिबा या वसीयत दे दें, तो वो वसीयत दे देता है, वो जान लेता है कि इसने मेरी खिदमत की, अब आगे भी वो इस उम्मीद में होता है कि बिल्कुल आगे भी कर देगा। बिल्कुल लेकिन इस कानून में उसका अजाला हुआ है, इस धोखे का अजाला हुआ है। जी जी सर इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स जी वसीयत या कोई दस्तावेज़, कोई ट्रांजैक्शन, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट बना देता है, जी लेकिन उसमें ये लिखे कि अगर इन्होंने उसमें कोई शर्त हो कि अगर ये मेरी मेंटेनेंस या मेरी कफालत बाद में तर्क कर दें जी तो ये भी मैं वापस ले लेता हूँ, जी ये सर शिक अगर उस दस्तावेज़ में हो, लिखी जाए लिखी जाए, तो इसका बाद में असर ये होगा कि वो ट्रांजैक्शन उस धोखे को साबित करते हुए जी वॉइड करार दी जाएगी, यानी कि जी गैर कानूनी, अजल से पहले से ही गैर कानूनी करार दी जाएगी, उसका असर ही तस्वुर नहीं खत्म हो किया जाएगा जाएगा, जी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो वापस चली जाएगी। को इस धोखे का जो बदकिस्मती से हमारे समाज में अब राइज है, जी और मैंने आपको बताया कि मैंने अपने जुडिशल करियर में जी जी ऐसी सर मिसालें बड़ी देखी जहाँ पे वालिदैन हों या भाई बहन हों,
जो एक उम्र रसीदा शख्स की उम्र रसीदगी की उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे दस्तावेज़ बनवाने के लिए उसे मजबूर कर देते हैं, फिर वो दस्तावेज़ बन भी जाता है और बाद में उसकी तर्क परवरिश भी होती है और शायद वो फिर बेबस होके जिस दुनिया से चले जाते हैं, जिसका मैंने आपको आज भी मैं कहा हूं कि आज भी मैंने अखबार में ऐसी सुर्खी पढ़ी जिसको देखकर मेरा दिल बड़ा रंजीदा हुआ। बिल्कुल, कि हमारे समाज में यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि एक शख्स अबंडन करके एक ओल्ड एज होम में अपनी आखिरी सांसें लेता है। जैसे आप आगे जानना चाहेंगे कि इनकम टैक्स के हवाले से कैसे फ़वाद हैं जो हमारे उम्ररसीदा लोग जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही तमहीद में ही तज़किरा किया कि बड़े सारे प्रोविजंस हैं जिनको वेलफेयर के तौर पे समाज रियासत इंश्योर करती है, जिसमें ओल्ड एज फंड्स होती हैं जो सोशल वेलफेयर के जरिए से इन तक पहुँची हैं, कुछ राशन मुफ्त सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है, और इसी इन्हीं मेजर्स में से वन ऑफ द मेजर्स इज गिविंग एडिशनल सेविंग टैक्स डिडक्शन टू द टून ऑफ 1.5 लाख रुपीज़, यानी 1.5 लाख रुपये एडिशनल होता है इनको। इसी वजह से जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स की फॉर्म देखेंगे तो वहाँ होता है कि सीनियर सिटीजन का अलग होता अलग है। यही नहीं, ये मेजर्स टैक्स को लेकर भी हैं, ये मेजर्स आप देखेंगे मेडिकल हॉस्पिटल्स उनमें भी है कि उनमें अगर आप इलाज करने के लिए एक सीनियर सिटीजन जाता है या उसके लिए अलग क्यूज होती है, उसके लिए ट्रीटमेंट की प्रेफरेंस होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर वो इकोनॉमी क्लास में सफर करता है तो वहाँ भी उसके लिए डिस्काउंट्स हैं, ट्रेन रिजर्वेशंस में जिनके क्यूज अलग हैं, रिजर्वेशंस अलग होती हैं। तो समाज में जितनी भी स्टेट सर्विसेज होती हैं, रियासत अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करता है, वो इंश्योर करता है कि एक विंडो एक जो प्रोविजन होता है वो सीनियर सिटीजन्स की इस कमजोरी को देखकर उनकी मदावा के लिए इंश्योर की जाए। तो जैसा कि आपने फरमाया कि तरह तरह की जो आसाइशें हैं वो कवानीन में उम्र रसीदा अशखास शहरी जो है उनके लिए फराहम की गई है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इससे महरूम रह जाते हैं क्योंकि दो चीज़ें, या तो उनके पास वसाइल की कमी होती है या फिर जानकारी की कमी रहती है। सबसे पहले जानकारी की कमी पर पूछना चाहेंगे कि इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी किस तरीके से काम कर रही है कि ये जानकारी इन कवानीन की आम उम्र रसीदा लोगों तक पहुंच सके। देखिए, जानकारी ज़रूरी है साइन कानून की एग्जीक्यूशन, जब भी हम एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जानकारी इसका पहला मैदान होता है, पहला स्टेप हो जाता है। अब अवेयरनेस के लिए इसमें एक्ट में ही है कि अवेयरनेस इसकी जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं या इसका जिसका जिसका हम बहस है या इसका जिक्र है, इस एक्ट में ही है कि इसकी जानकारी को लाजमी फैलान, इसकी अवेयरनेस कैंप को जितना हो सके उतना फैलाया जाए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी लोगों में भी हो, उम्र रसीदा लोगों में भी हो और आम लोगों में भी हो जिनका बिहेवियर उम्र रसीदा को इन्फ्लुएंस करता है, पुलिस ऑफिसरान को हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरान हो, क्योंकि इसमें जो ऑफिसर्स हैं वो डील करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी को, उनकी सेंसिटाइजेशन को भी अवेयरनेस कैंप्स में हम जिनका तज़किरा करते हैं। इस साल भी हमने बारामूला में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें हमने अवेयरनेस कैंप में पुलिस ऑफिसर्स को मधु किया था, उनकी उनकी दावत दी थी। जी जी साहब, जी साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि आज के इस अहम मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन तक आप कुछ पैगाम पहुँचाएं। पैगाम मेरा सिंपल है कि मैं समाज के हर फर्द से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप एक बुजुर्ग शहरी देखें उनकी मदद करते हुए जो भी आप कर सकें करें, इस कानून की जानकारी अपने रेडीमेड अपने पास रखें ताकि आप एटलीस्ट डिप्टी कमिश्नर तक उनकी शिकायत पहुंचा सकें। जी जी साहब, और साथ में ही मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है ये चीज़ जानना कि हमें अदालतों तक जाने की ज़रूरत नहीं हमारे उम्र रसीदा अशखास को ये नान कफाफे की रकम हासिल करने के लिए, बल्कि वो खुद भी एक अलग निज़ाम खास उनकी सहूलियत के लिए बनाया गया है कि वो खुद भी जो दफातर हैं एडी, जैसा कि जैसा साहब ने फरमाया ACR का दफ्तर है या SDM का दफ्तर है, जैसा भी हो वहाँ एक दरख्वास्त कर सकते हैं, उन्हें खुद जाना पड़ेगा और इसके लिए मुफ्त कानूनी
امداد بھی فراہم کی جائے گی ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی سے. اسی کے ساتھ ہی جج صاحب, ہم دوردرشن کی پوری ٹیم اور جموں کشمیر لیگل سروس اتھارٹی کی طرف سے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج اس اہم قانونی موضوع پر ہمارے ناظرین تک جانکاری پہنچائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی دعوت دینے کے لیے. تو ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ تک اس اہم موضوع کے متعلق اہم جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہا, اور ساتھ ہی ہمیں یہ امید بھی ہے کہ ہمارے عمر رسیدہ لوگ ان قوانین کا پوری پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں گے, اور وہ لوگ جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عمر رسیدہ لوگوں کی حفاظت کرے, ان کی پرورش کرے, وہ لوگ بھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ کتنا ضروری ہے ہمارے عمر رسیدہ لوگوں کا خیال رکھنا. اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے ہم پھر آپ کے روبرو ہوں گے, کسی اور ماہر قانون سے گفتگو کریں گے کسی اور اہم قانونی موضوع کو لے کے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ. دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر, احساس کشمیر کا.